हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू टाटा LPT 1112, जो कि आपकी फेज 2 रहने वाली है RD। आज मैं आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या स्टेयरिंग व्हील के ऊपर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इसका जो क्लस्टर मीटर है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। ये आपकी फेज 2 गाड़ी रहने वाली है, जो कि बिल्कुल लग्जरी। आपको सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको क्लस्टर मीटर आपको डिजिटल दिख रहा होगा। इसमें आपको काफ़ी सारे लाइट्स वगैरह, MIL की लाइट्स वगैरह, जो फुली डिजिटल रहने वाली है। सबसे पहले आप इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो चेक करो, इसमें आपको कितने सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉल्यूम का अप और डाउन का फीचर मिल जाता है, और इसके साथ ही आपको म्यूज़िक नेक्स्ट और बैक करने का मिल जाता है, और राइट साइड में आपको कॉल पिक करने का और कट करने का ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ आपको स्क्रीन और होम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे नीचे होम, और यहाँ पे आपको टाटा का प्यारा सा लोगो मिल जाएगा। उसके नीचे हॉर्न की बैजिंग मिलेगी, जो कि काफ़ी शानदार आपका ये स्टेयरिंग व्हील देखने को लगता है। अब बात करेंगे क्लस्टर मीटर की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारी सी यहाँ पे लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का निशान मिल जाएगा, और यहाँ पे किलोमीटर्स देखने को मिलेंगे आपके। यहाँ पे ट्रिप किलोमीटर आपको मिल जाते हैं, और जो कि ये रहा आपका डेफ, जो कि आप यूरिया डालते हैं उसकी जो फ्यूल गेज है वो आपको यहाँ पे शो करती है कितना है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में आपका फ्रंट में एयर प्रेशर और रियर का फ्रंट, रियर और फ्रंट का दोनों का एयर प्रेशर आपको डिजिटल, फुल्ली डिजिटल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डेफ डोजिंग फॉल्ट, जो कि आपके जो इस टाइम रीजेनरेशन होने का ये गाड़ी मांग रही है, उसका ये आपको मीटर में आपको फुली डिजिटल में दिखा देगा, शो कर देगा। नीचे की तरफ आपको वोल्टेज दिखाएगा बैटरी की, उसके साथ ही आपको टाइम दिखाएगा, और जो आपके RPM रहने वाले हैं वो आपके नोक के ऊपर ही रहने वाले, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल जाता है, और यहाँ पे आपकी स्पीड का जो कि नोक पे ही आपका रहने वाला है, यहाँ पे फ्यूल का मिलेगा। और यहाँ पे आपको साइड में सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप नहीं लगाते हो तो ये आपको कंटिन्यू वीप करके बताएगा। कुछ इस तरह का आपका ये रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में है ये इसका प्यारा सा, यहाँ पे आप स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा इस गाड़ी में। अभी जो फेज 2 गाड़ियाँ उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो कि हाई भीम लो भीम का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी लेफ्ट साइड में हाथ के साथ ही, और ऊपर की तरफ हेल्प का बटन मिल जाएगा आपको। ऊपर में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा फाइल वगैरह कुछ रखने के लिए, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा लीवर के ठीक पीछे आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाएगा, आराम से अपना बाजू रख के आप चला सकते हैं। उसके पीछे आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएंगे, 4 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, काफ़ी स्पेस मिलता है। पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन भी लगवा सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ब्लोर मिलते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 4 जगह इसके नोक लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और चौथा आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का आपका इंटीरियर रहने वाला है न्यू टाटा LPT 1112 का, जो कि अभी सभी फेज 2 गाड़ियों का ऐसा ही इंटीरियर है। आपका 1916 स्लीपर कैबिन सभी 1112 1212 1616।